मंडलीय कारागार का सोमवार को जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन और एसएसपी शलभ माथुर ने औचक निरीक्षण किया तथा जेल के सभी बैरकों की तलाशी ली। डीएम के तलाशी में कोई भी आपत्तिजनक वस्तुएं नहीं मिली हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने बताया कि जेल का निरीक्षण किया गया है और कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे दो कैदियों ने अपने रिहाई के लिए आवेदन दिया है जो शासन को भेज दिया जाएगा। ये समय समय पे हम लोग करते रहते हैं। यहाँ जो पुलिस का टीम और मजिस्ट्रेट की टीम लेके आए थे, यहाँ तो करीबन 21-22 बैरक है, करीबन 1800 बंदियाँ कैद हैं। इन लोगों को तो समय समय पे तलाशी लेते हैं ताकि ऐसे तो चीज़ तो नहीं है उनके पास, मोबाइल फ़ोन और कैची और जो भी चीज़ हो आपत्तिजनक चीज़ उसको बरामद करते हैं। और कहाँ कहाँ किसी का मतलब, यदि तो अभी भी अंदर से बाहर का कहीं कम्युनिकेशन हो रहा तो उसको भी ट्रेस करते हैं। उसी सिलसिले में आए हैं, अभी तो काम चल रहा है, जो आता है तो बता देता हूँ। चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी तो हम लोग बस मुश्किल से आधे घंटे पहले चालू किए हैं। एक बैरक का चल रहा है अभी, तो अभी तो एक दो घंटे में कुछ नतीजा निकलेगा बता देता हूँ।